नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों डीआरडीओ की मैं जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। डीआरडीओ दोस्तों ऐसे ऐसे कारनामे ही कर देता है कि उसको एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सैल्यूट करने की इच्छा होती है। आज चीनियों के नाक में डीआरडीओ ने दम करके रखा है, एक से बढ़ के एक हथियार का परीक्षण कर देते हैं। एक तरफ जहां हमारे देश के वीर जवान डट के बर्फीले इलाके में खड़े रहते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे देश के साइंटिस्ट रातों को जागकर ऐसे ऐसे हथियार बना देते हैं कि पूरे चाइना में देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से भारतीय एयरफोर्स को एक बेहद ही खतरनाक और एडवांस बॉम्ब दिया जा रहा है। वाकई में ये बॉम्ब नहीं बल्कि उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या नाम दूं, लेकिन आज की इस वीडियो में इस बॉम्ब के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो भारतीय एयरफोर्स के द्वारा एक मांग की गई है, वो है ग्लाइड बॉम्ब की, और उस बॉम्ब का नाम है गौरव बॉम्ब। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब होने वाला है, यानी कि दोस्तों आप इसे अपने एयरक्राफ्ट में फिट करके ले जाइए दुश्मन के एरिया में, और उसके आसपास अगर आप पहुंचते हैं दुश्मन के रडार में नहीं आना चाहते हैं तो इस बॉम्ब को वहीं से छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये खुद ब खुद अपने टारगेट की तरफ उड़ता हुआ जाएगा, और इसमें हाईटेक सेंसर लगे हुए हैं, इतना ज्यादा एडवांस बनाया गया है कि ये अपने टारगेट को खुद ब खुद डिटेक्ट करके उसी के ऊपर जाके गिरता है। बॉम्ब की अगर वेट की बात करें तो दोस्तों इस बॉम्ब का वेट 1000 किलोग्राम है, पर डीआरडीओ का ये मानना है कि जिस एरिया में ये गिरेगा लगभग 100 वर्ग मीटर की एरिया को पूर्णतया निस्ता नाबूद कर देगा। बॉम्ब की रेंज की अगर बात की जाएगी, मान लीजिए आप इसे अपने हेलीकॉप्टर या अपने एयरक्राफ्ट से छोड़ देते हैं तो उसके बाद दोस्तों इस बॉम्ब की रेंज 100 किलोमीटर होगी। दोस्तों ये 100 किलोमीटर तक खुद ब खुद अपने आप उड़ के जाएगा और अपने टारगेट को तबाह कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पर एयरफोर्स के द्वारा डीआरडीओ को 100 बॉम्ब का ऑर्डर दिया गया है, और डीआरडीओ ने यह भी कहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर हम इसके कुछ बॉम्ब आपको डिलीवर कर देंगे। दोस्तों ये जो बॉम्ब है ये चीनियों का काल है, क्योंकि खासकर पहाड़ी एरिया में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। पहाड़ी एरिया में मान लीजिए इसके सामने पहाड़ आ जाता है तो इसमें ऐसे ऐसे सेंसर लगे हैं, ये खुद ब खुद अपने रास्ते को चेंज कर लेगा और उसी पिन पॉइंट पे जाकर हमला करेगा जहां पर आपने इसे भेजा है। और इसी वजह से आज चाइना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और दोस्तों रुकिए, आने वाले समय में चीनियों की जिस तरीके से भारत हालत खराब करेगा वाकई में देखने वाली होगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है भारत की इस बॉम्ब को लेकर, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाइए कमेंट्स कीजिए। और वीडियो समाप्त करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।